भारी बारिश व भूस्खलन के चलते मंडी जिला के मैहणी पंचायत के लिए जाने वाला रास्ता बह गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युवकों ने खुद ही बांस से रास्ता तैयार कर लिया। वहीं यहां पक्का रास्ता बने इसको लेकर गांव के लोगों ने आज उपायुक्त अपूर्व देवगन को मांग पत्र सौंपा। आपको बता दें कि इस रास्ते से 300 से 400 लोग रोजाना आते जाते हैं। पंचायत में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से गांव के लिए शीघ्र रास्ता बनाने की गुहार लगाई, ताकि लोगों को आपातकालीन स्थिति में जिला मुख्यालय तक पहुँचने की सुविधा मिल सके। वहाँ पर हमारे काफ़ी बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, गांव के बुजुर्ग लोग भी जाते हैं और डेली आना जाना सुबह शाम रहता है। और वो रास्ता पिछले साल बारिश की वजह से दरिया जब ज़्यादा चढ़ गया था, ब्यास नदी, उस दौरान वो बह गया था। वो बहने के कारण वो रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और उसके दौरान, उसके बाद फिर दोबारा उसके लिए डी सी साहब से, जो ये डी सी साहब हैं, इससे पहले जो डी सी साहब थे, उनसे 1,00,000 रुपये की परमिशन करके, उन पर परमिटेड करके उसके रास्ते के लिए लिया गया था। तो उसके बाद वो पैसा पंचायत में आया था। पंचायत वालों ने किस प्रकार से वो काम किया वो पता नहीं है, कि बांस के बम्बू लगे थे जो पहले से टेम्परेरी रास्ता था, उसके ऊपर सरिया डाल के टेम्परेरी रास्ता बना के उन्होंने टेम्परेरी से उसको बना लिया। और उसके दौरान अभी इस साल दोबारा वो बह गया और लोग रिस्क पे जाते रहते थे, और फिर दोबारा वहाँ उसी दौरान सीढ़ी बना के दोबारा अभी रास्ता बनाया हुआ है। और लोगों को तो मजबूरी है कि उनको जाना पड़ रहा है और कोई रास्ता आसपास है नहीं है। तो मैं एक एक्स सर्विस मैन की रहस्य से मैं या ग्रुप से साथ आया हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे लगा कि ये जरूरत है इन लोगों को। मैं चाहता हूँ कि हमने ये ज्ञापन डी सी साहब को सौंपा है और डी सी साहब ने इसके लिए वीडियो सदर इंक्वायरी के लिए दिया है, ऑर्डर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि हम एक प्रस्ताव रखकर डी सी साहब से वहाँ के लिए दोबारा रास्ते के लिए कुछ पैसा दें और वो रास्ता जल्दी से जल्दी बनाएँ। 5-6 गाँव हैं, उनमें 3-4 हरिजन बस्तियाँ हैं और 2 राजपूतों के गांव हैं। तो छोटी छोटी बस्तियां हैं, ज़्यादा नहीं है वैसे, पर लोगों को उनके लिए वही रास्ता काम है, इसलिए लोगों का आना जाना उसी रास्ते से रहता। और दूसरा रास्ता एक पुराना रास्ता था, वो काफ़ी टाइम पहले क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वहाँ से अभी लोगों के लिए काफ़ी रिस्की आना जाना है। तो वो रास्ता हम चाहते कि वही रास्ता दोबारा बनाया जाए। जो 9 मील का रास्ता है वो पूरी तरह से ढह गया है और हम चाहते हैं कि दोबारा इस रास्ते को ठीक किया जाए। और स्कूल के बच्चे और बुजुर्ग और नौजवान, जो रास्ता यहीं से जाता है, कम से कम 300-400 आदमी यहाँ से डेली जाते हैं। हम इस हिसाब से यही चाहते हैं कि दोबारा इस रास्ते को बनाया जाए, ताकि हमारे को जाने के लिए। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या गौर करता है। पंजाब के सी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।